तो कल से एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है कि अल्फा स्कैम अंकुश, अल्फा ने अंकुश को स्कैम कर दिया। तो तुमको हर एक यूट्यूबर की स्ट्रीम में जस्ट यही स्पैम देखने को मिल रहा है #justice for अंकुश #support अंकुश। बट किसी को इसके पीछे की रियलिटी, इसके पीछे का पूरा सच नहीं पता है, बस हर जगह स्पैम किए जा रहे हैं। तो इस बड़ी सीन की शुरुआत होती है अंकुश फ्री फायर चैनल, जिसका नेम बदल के भी अल्फा फ्री फायर रख दिया गया। उसमें एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसका टाइटल था हु इज अल्फा, जिसमें अल्फा ने काफी सारी बातें बताई थी। और इसी रिप्लाई देते हुए अंकुश ने अपने नए चैनल अंकुश एफएफ में एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने बताया कि अल्फा ने उसके साथ स्कैम कर लिया। लेकिन गाइस ये पूरी सच्चाई नहीं है, और गाइस आज के वीडियो में तुम्हें इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं। तो भरोसे वाले, अगर अल्फा तेरे से चैनल का पूरा एसेस नहीं लेता तो एक ने एक दिन तो खुद अल्फा को धक्के मार के चैनल से बाहर निकाल देता। और तेरे कहना ये कि चैनल ग्रो करने में सबसे बड़ा हाथ तेरा है अजी घंटा। अंकुश को जाना जाता है उसके गेम प्ले की वजह से, कि रैंक उसकी वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंकुश का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है चैनल ग्रो करने के पीछे, ना 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 ना। ग्लोबल जाने से चैनल ग्रो होता है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। एग्जांपल के लिए बेटू बाईटी एंड आदेश गेमिंग को ही देख लो। आदेश हर सीजन ग्लोबल जाता है, लेकिन उसके चैनल पे तो इतने ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है जितना कि अंकुश के चैनल पे। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अंकुश को देखते हैं उसके गेम प्ले की वजह से, ना कि वो ग्लोबल पे रहता है इस वजह से। इवन विंसेंजो ने भी कुछ समय पहले अपना नेम चेंज करके अंकुश फ्री फायर रखा, इसलिए नहीं कि वो ग्लोबल पे रहता, बिकॉज इसलिए कि उसका गेम प्ले ओपी लेवल का है। वो गेम प्ले जो तुम अंकुश फ्री फायर चैनल पे देखते हो अंकुश का नहीं बल्कि अल्फा का है। गेम प्ले अल्फा करता है, उसको रिकॉर्ड अल्फा करता है, उसको एडिट अल्फा करता है, इवन गाइस अपलोड भी अल्फा ही करता है। और उससे पहले अंकुश तू क्या करता है भाई? अच्छा हाँ, तू तो आइडियाज देता है, बट मेरे को एक बात बता, गेम प्ले में आइडिया? मतलब कोई पढ़ा लिखा होके भी अनपढ़ कैसे हो सकता है? और जब तेरे से पूछा गया कि अल्फा कौन है तेरे चैनल पे जो सोलो वर्सेस स्क्वाड की वीडियोस आती है, वो किसका गेम प्ले, तो तूने हमेशा बोला कि वो गेम प्ले तेरा है। मतलब पूरा का पूरा क्रेडिट तू खा जाता था, और कभी भी लोगों को पता नहीं चलने देता था कि अल्फा कौन है। एग्जांपल के लिए धूम 3 मूवी तो तुमने देखी होगी, उसमें तुमने देखा होगा कि आमिर खान के डबल रोल रहते, एक भाई जो सीक्रेट रहता है दुनिया से छुपा रहता है, और दूसरा भाई जो ओपन रहता है। गाइस जो सीक्रेट वाला भाई रहता है जो सबसे छुपा रहता है, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट रहता है और सभी काम वही करता है, लेकिन गाइस जो उसका क्रेडिट है वो सेकंड वाले भाई को मिलता था। तो गाइस वही चीज यहां भी है, यहां पे अल्फा सीक्रेट था जो कि गाइस पूरी मेहनत करता था चैनल पे, गेम प्ले डालता था, रिकॉर्ड करता था, एडिट करता था, अपलोड करता था, लेकिन उसका गाइस सारा का सारा अल्फा का क्रेडिट जो है अंकुश खा जाता था। सबके सब चोर हैं साले। तो गाइस मेरी नजरों में तो अल्फा ने सही किया, क्योंकि गाइस यहां पे अंकुश अल्फा को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं देता था, सारा क्रेडिट खा जाता था, और एक ना एक दिन गाइस अंकुश अल्फा को चैनल से लात मार के निकाल देता, बिकॉज गाइस कोई अल्फा को जानता नहीं था, और ऐसे में अंकुश पूरा को पूरा चैनल कैप्चर करने वाला था। तो यही काम अल्फा ने पहले कर दिया, एंड मेरी नजरों में तो अल्फा ने बिल्कुल सही किया। और हाँ, तुम लोग ये जो हर जगह स्पैम करते हो तो स्पैम करना बंद करो, पहले सारी बात जान लिया करो, उसके बाद ही स्पैम किया करो। शर्म करो, शर्म।